चैप्टर 4 क्लास 9 का शुरू करते हैं, लीनियर इक्वेशंस इन टू वेरिएबल्स। तो क्या होती है लीनियर इक्वेशन, थोड़ा समझ लेते हैं, फिर इसके एग्जांपल्स करेंगे एक एक करके। ठीक, तो लीनियर इक्वेशन मतलब लीनियर इक्वेशन इन टू वेरिएबल, लीनियर इक्वेशन इन टू वेरिएबल। ठीक है, काफी कॉम्प्लेक्स सा लग रहा है यार, लीनियर इक्वेशन टू वेरिएबल, क्या कहानी है? कोई कहानी नहीं है, बहुत आसान। लीनियर मतलब डिग्री इज वन, इक्वेशन मतलब क्या होता है, देयर इज इक्वल इज ये वाला साइन होगा, इक्वल साइन होगा इक्वेशन है। तो टू वेरिएबल्स मतलब देयर वुड बी टू अननोन क्वांटिटीज, दो अननोन क्वांटिटीज होंगी, यानी कि लीनियर होंगी, यानी कि जो अननोन क्वांटिटीज हैं वो दो होंगी, उनकी डिग्री एक होगी दोनों की, और इक्वेशन होगी। एग्जाम्पल देता हूं, 5x+y इज इक्वल टू 0। गौर से देखो, लीनियर है ये, है क्योंकि डिग्री इसकी भी वन, इसकी भी वन। इक्वेशन है क्योंकि इक्वल लगा हुआ है। वेरिएबल कितने हैं? दो हैं, कौन कौन से? एक्स और वाई, तो टू वेरिएबल है, इक्वेशन भी टू वेरिएबल, तो ये लीनियर इक्वेशन है, टू वेरिएबल हो गई। ठीक, उसी तरह से हम ये भी लिख सकते हैं, x+y इज इक्वल टू 10 लीनियर है कि नहीं? इसकी भी पावर वन, इसकी भी पावर वन, डिग्री जब पूरी इक्वेशन की वन है तो वो इक्वेशन लीनियर है, या पॉलिनोमियल की डिग्री वन है तो पॉलिनोमियल भी लीनियर कहलाता है। इक्वेशन है, क्यों है इक्वेशन? क्योंकि इक्वल का साइन लगा हुआ है। और टू वेरिएबल्स हैं, टू वेरिएबल्स, दो वेरिएबल है, बिल्कुल दो वेरिएबल है, एक्स और वाई, कौन कौन से? एक्स है और एक वाई है, तो दो वेरिएबल्स है, लीनियर इक्वेशन तो बन गई लीनियर इक्वेशन इन टू वेरिएबल। बस यही होता है लीनियर इक्वेशन टू वेरिएबल का मतलब, एक पॉलिनोमियल होगा जिसमें इक्वल का साइन लगा होगा तो उसे इक्वेशन बोलेंगे, उसकी डिग्री वन होगी इसलिए उसे लीनियर बोलेंगे, और उसमें दो वेरिएबल होंगे इसलिए बोलेंगे लीनियर इक्वेशन इन टू वेरिएबल। ऑलराइट, तो इजी था, क्या मुश्किल है इसमें? कोई मुश्किल नहीं है, बहुत सारे एग्जांपल होते हैं लीनियर इक्वेशन इन टू वेरिएबल के। चलो ये डिफाइन कर देते हैं पहले, लीनियर इक्वेशन इन टू वेरिएबल, लीनियर मतलब, लीनियर मतलब इक्वेशन मतलब टू वेरिएबल मतलब, लीनियर मतलब डिग्री वन वन, इक्वेशन मतलब इक्वल साइन, और वेरिएबल टू वेरिएबल मतलब टू अननोन क्वांटिटीज, दो अननोन क्वांटिटीज होंगी। ठीक, लीनियर इक्वेशन इन टू वेरिएबल, पूरा चिट्ठा ही खोल के रख दिया मैंने आपके सामने कि लीनियर इक्वेशन टू वेरिएबल का मतलब क्या होता है। अब आपको ये बताना है कि ये जो मैं लिखने वाला हूं वो लीनियर इक्वेशन इन टू वेरिएबल है कि नहीं। मैं चार पांच इक्वेशंस लिखूंगा, चार पांच इक्वेशंस क्या, मैं तो आपको हिंट ही दिए जा रहा हूं कि मैं इक्वेशन लिखूंगा, आपको बताना है कि वो लीनियर इक्वेशन इन टू वेरिएबल है कि नहीं। मैं चार पांच एक्सप्रेशंस लिखूंगा, ठीक, ये डेफिनेशन सामने लिखी हुई है, ये मैं कर दे रहा हूं। बताओ, 5x+7 इज इक्वल टू 2, 5x+2, 3x+y² इज इक्वल टू 1, x+3y इज इक्वल टू 7, 5x+5y इज इक्वल टू 0। बताओ,
लीनियर इक्वेशन टू वेरिएबल इनमें से कौन कौन है, हमको ये तीनों चीजें चेक करें, लीनियर होना चाहिए, इक्वेशन होना चाहिए और वेरिएबल दो होने चाहिए। लीनियर है, अच्छा लीनियर में हम सिर्फ डिग्री वन देखते हैं, ये भी किसकी, वेरिएबल की, सबकी नहीं देखते, वेरिएबल की देखते हैं। मतलब कि अगर मैं एक और इक्वेशन यहां लिख दूं, 2 स्क्वायर x प्लस 3 स्क्वायर y इज इक्वल टू 7, तो ये लीनियर इक्वेशन होगी कि मैं आपको बताते हुए आना, ठीक है। पहले की शुरुआत करते हैं, ये लीनियर है कि नहीं है, क्योंकि देखो डिग्री वेरिएबल x की, वेरिएबल कौन है इसमें, x, डिग्री क्या है 1, तो ये लीनियर है, लीनियर तो है, ये इक्वेशन है, इक्वल लगा हुआ है तो इक्वेशन भी है। दो वेरिएबल क्या इसमें, दो अननोन क्वांटिटीज है, एक अननोन क्वांटिटी तो एक्स है, दूसरी अननोन क्वांटिटी है ही नहीं, तो इट इज नॉट लीनियर इक्वेशन इन टू वेरिएबल। दूसरे पे आ जाओ, लीनियर है, डिग्री क्या है 1 है तो लीनियर है, इक्वेशन है क्या, इक्वल साइन दिख रहा है, नहीं दिख रहा तो इक्वेशन ही नहीं है ये। इस पे आ जाओ, लीनियर है क्या ये, इसकी डिग्री 1 लेकिन इसकी डिग्री तो 2 है, तो ये लीनियर ही नहीं है, ये भी उड़ गया। इस पे आ जाओ, लीनियर है क्या ये, एक्स की पावर 1 वाई की पावर 1, यस ये लीनियर है। इक्वेशन है क्या, यहाँ पे इक्वल साइन है तो इक्वेशन भी है। वेरिएबल दो है क्या, एक्स है और एक वाई है, दो वेरिएबल भी है, तो ये लीनियर इक्वेशन टू वेरिएबल हो गई। इसमें देखो क्या ये लीनियर है, एक्स है वाई है, पावर दोनों की 1 1 है तो लीनियर हो गई। इक्वेशन है, हाँ है, क्योंकि इक्वल साइन बना हुआ है। वेरिएबल कितने हैं, एक एक्स है दूसरा वाई है, तो टू वेरिएबल भी हो गया, तो ये भी सही है। इस पे आ जाओ, क्या ये लीनियर है, लीनियर के लिए हम क्या चेक करते हैं, पावर ऑफ वेरिएबल, इसमें वेरिएबल एक्स, वेरिएबल वाई, पावर इसकी भी 1 इसकी भी 1, तो ये लीनियर हो गई। इक्वेशन है क्योंकि इक्वल साइन लगा हुआ है। वेरिएबल कितने हैं, दो, कौन कौन से, एक्स और वाई, तो वेरिएबल भी 2 हो गए, तो ये लीनियर इक्वेशन टू वेरिएबल ये भी है, ठीक है। तो इस तरह से ये लीनियर इक्वेशन टू वेरिएबल है, ये है, ये है, ये क्यों नहीं है, क्योंकि ये वेरिएबल इसमें 2 नहीं थे, ये क्यों नहीं है, क्योंकि ये इक्वेशन ही नहीं है, क्योंकि इक्वल का साइन नहीं लगा, ये क्यों नहीं है, क्योंकि ये लीनियर नहीं है, ये क्वाड्रेटिक इक्वेशन हो गई, देख लो वाई का स्क्वायर लगा हुआ है, लीनियर होती तो वाई की पावर भी 1 होनी चाहिए, ठीक, ये समझ में आ गया, वेरी गुड। अब लीनियर इक्वेशन इन टू वेरिएबल की स्टैंडर्ड फॉर्म क्या होती है, स्टैंडर्ड फॉर्म, हर इक्वेशन के हम स्टैंडर्ड फॉर्म लिखते हैं, स्टैंडर्ड फॉर्म क्या होती है, ए एक्स प्लस बी वाई प्लस सी इज इक्वल टू 0, ठीक, ये होती है स्टैंडर्ड फॉर्म। ए कांस्टेंट है, बी कांस्टेंट है, सी भी कांस्टेंट है, ए को बोलते हैं एक्स का कोएफिशिएंट, बी को बोलते हैं वाई का कोएफिशिएंट, और सी को बोलते हैं कांस्टेंट। जो भी इक्वेशन होगी हम उसको इसी फॉर्म में रख के देखेंगे कि क्या कहानी है, ठीक है, ये हो गई स्टैंडर्ड फॉर्म। अब आपकी बुक का एग्जाम्पल कर लेते हैं, एग्जाम्पल नंबर 1, एग्जाम्पल 1 में 4 क्वेश्चन है, राइट ईच ऑफ द फॉलोइंग इक्वेशन इन द फॉर्म ऑफ ए एक्स प्लस बी वाई प्लस सी, हमको क्या करना है, इस फॉर्म में लिखना है, ए एक्स प्लस बी वाई प्लस सी इज इक्वल टू 0, कौन कौन सी 4 इक्वेशन दी हुई है, पहली इक्वेशन है आपकी 2x प्लस 3y इज इक्वल टू 4.37, 2x प्लस 3y इज इक्वल टू 4.37, दूसरी इक्वेशन क्या दी हुई है आपको, x-4 इज इक्वल टू √3y, तीसरी इक्वेशन दी हुई है आपको 4 इज इक्वल टू 5x-3y, और चौथी इक्वेशन दी हुई है आपको 2x इज इक्वल टू y। इन चारों को हमको इस फॉर्म में लिखना है, इस फॉर्म में लिखने का मतलब पहले x लिख देंगे, फिर y लिख देंगे, और फिर कांस्टेंट लिखेंगे, और इक्वल के उधर कर देंगे 0, बस हमको यही करना है, ठीक है। तो पहले एक्स वाले टर्म लिख लेंगे, फिर वाई वाले टर्म, और फिर इक्वल के उधर लिख देंगे 0, बस आ गया भाई फॉर्म, ज्यादा मेहनत करनी नहीं है। तो इसको कैसे करेंगे, पहले एक्स वाले टर्म जो कि ऑलरेडी लिखी हुई है, फिर वाई वाले टर्म जो कि ऑलरेडी लिखी हुई है, अब कॉन्स्टेंट को इक्वल के इधर लाना है, तो माइनस का 4.37 हो जाएगा यहाँ पे, और इक्वल के इधर बच गया 0, आ गई ये फॉर्मेट, ए एक्स प्लस बी वाई प्लस सी इज इक्वल टू 0, सी इज दिस, ये पूरा सी है, ये बी है, ये ए है, ए बी, ठीक। इसको देखो कैसे लिख सकते हैं, इसको
पहले एक्स की टर्म को लिखेंगे, एक्स की टर्म क्या है, एक्स ही है, फिर वाई की टर्म को लिखेंगे, वाई की टर्म तो इक्वल के उधर है तो उसको इक्वल के इधर लेके आएंगे, √3y है तो यहाँ पे आएगा तो माइनस का √3y हो जाएगा, माइनस का √3y इक्वल से जब हम किसी भी टर्म को लेफ्ट या राइट मूव करते हैं तो उसका साइन बदलते हैं, पॉजिटिव साइन होगा तो नेगेटिव हो जाएगा, नेगेटिव होगा तो पॉजिटिव हो जाएगा, एक्स की टर्म्स आ गई, वाई की टर्म्स आ गई, अब क्या आनी है कॉन्स्टेंट, कॉन्स्टेंट क्या है -4, तो यहाँ पे -4 लिख देंगे और इक्वल के इधर बचा 0, ये जो था वो इधर ले आया, इक्वल के इधर यहाँ पे 0 बचा, तो ये भी आ गई अपनी फॉर्मेट में, ए कितना हो गया 1, बी है -√3 इसका वाई का कॉफिशिएंट, और सी है ये वाला पार्ट, सी इज इक्वल टू -4, बस ये आ गया। ठीक, इसको देखते हैं, 4 इज इक्वल टू 5x माइनस 3y कैसे लिखेंगे, पहले x की टर्म क्या है 5x है लेकिन इक्वल के उधर है, उसको इक्वल के इस तरफ लेके आएंगे, 5x को इक्वल के इस तरफ लेके आएंगे तो पॉजिटिव का 5x है, इक्वल के इधर आएगा तो माइनस का 5x हो जाएगा, फिर y की टर्म लिखनी होती, y की टर्म भी इक्वल के उस तरफ है, उसको भी इक्वल के इधर लेके आएंगे, ये माइनस की 3y है, इक्वल के इधर आएगी तो प्लस का 3y हो जाएगी। ठीक, अब कांस्टेंट तो इक्वल के इस तरफ ही है तो कांस्टेंट ऐसे लिख देंगे, प्लस का 4 इज इक्वल टू 0, अब इसमें ए कितना हो गया -5 है, ये होता है ए, ये है बी साइन के साथ और ये है सी, बी क्या है 3 और सी क्या है 4, ए एक्स प्लस बी वाई प्लस सी इज इक्वल टू 0, स्टैंडर्ड फॉर्म, यही है ना स्टैंडर्ड फॉर्म, अब इसको कर लेते हैं, पहले x की टर्म लिखते हैं इक्वल के इधर जो कि 2x है हमारे पास, और फिर y की टर्म लिखते हैं, y इक्वल के उधर उसको इक्वल के इधर लेके आएंगे, प्लस का y है इक्वल के इधर आएगा तो माइनस का y हो जाएगा, अब इक्वल के इधर y इधर से इधर आ गया तो इक्वल के इधर क्या बचा 0 बचा, कॉन्स्टेंट क्या था हमारे पास था ही नहीं कुछ तो 0 था, तो हम इसको ऐसे लिख सकते हैं 2x माइनस y प्लस 0 इज इक्वल टू 0, ये हो गया कॉन्स्टेंट, कॉन्स्टेंट ये सी है और बी क्या है -1 और ए क्या है एक्स का कोफिशिएंट जो कि 2 है, 2 हो गया -1 हो गया और सी हो गया 0, 0 गया 0। ठीक, तो ये भी स्टैंडर्ड फॉर्मेट में आ गई, तो हमने चारों इक्वेशंस को स्टैंडर्ड फॉर्मेट में ला दिया, एग्जांपल 1 यही था, दिस वाज द एग्जांपल 1 EX1। ठीक, एग्जाम्पल 2, एग्जाम्पल 2 में भी हमको वही करना जो हमने एग्जाम्पल 1 में किया था, इन सारी इक्वेशंस को लीनियर इक्वेशन इन टू वेरिएबल बना देना है, लीनियर इक्वेशन इन टू वेरिएबल है नहीं है क्योंकि देखो सब एक ही वेरिएबल है, सब में लीनियर तो है और इक्वेशन भी है लेकिन वेरिएबल एक है, तो हमको बनाना है इनको लीनियर इक्वेशन इन टू वेरिएबल, तो पहला वाला कैसे करेंगे, लीनियर इक्वेशन टू वेरिएबल का स्टैंडर्ड फॉर्मेट क्या होता है, AX प्लस BY प्लस C इज इक्वल टू 0, तो हम इसको ऐसे लिखते हैं x से पहले 1x कर देते हैं +0y कर देते हैं, y यहाँ पे कुछ नहीं है और इसको इक्वल के इधर ले आते हैं, -5 जो है उसको इधर ले, हमको फॉर्मेट यही बनाना है ना, y की कोई टर्म नहीं तो हमने 0y कर दिया, डॉट लगा दी 0 इंटू y, अब ये -5 इक्वल के इधर लेके आएंगे तो -5 इक्वल के इधर आएगा तो प्लस का 5 हो जाएगा और इक्वल के अंदर ऐसे ये हो गया हमारी मान गए स्टैंडर्ड फॉर्मेट, लीनियर इक्वेशन टू वेरिएबल है, ये पहला वेरिएबल, ये दूसरा वेरिएबल, ये कांस्टेंट, पहले वेरिएबल का कोएफिशिएंट ये ए कहलाता है, दूसरे वेरिएबल के कोएफिशिएंट को बी कहते हैं और तीसरे वेरिएबल तीसरे कांस्टेंट को कांस्टेंट कहते हैं जिसको सी बोलते हैं, ए बी सी तीनों है लीनियर इक्वेशन है, हो गया स्टैंडर्ड फॉर्मेट मैच कर गया, बस बन गए लीनियर इक्वेशन टू वेरिएबल, इसको बनाते हैं y इज इक्वल टू 2, एक्स के कोएफिशिएंट को हम 0 लिखते हैं 0 इंटू एक्स क्योंकि एक्स तो है ही नहीं, +1 इंटू वाई कर दे, 1 से y को मल्टीप्लाई कर दिया और 2 इक्वल के उधर था उसको इक्वल के इधर लेके आना, ये कांस्टेंट है इक्वल के इधर आएगा तो -2 हो जाएगा और इक्वल टू 0 हो गया, बस ये भी हो गया लीनियर इक्वेशन टू वेरिएबल, इजी है बहुत आसान है। थर्ड करते हैं 2x प्लस 3, 2x लिख दिया +0y कर देते हैं, वाई कुछ है ही नहीं और 3 इक्वल के उधर था उसको इक्वल के इधर ले आते हैं तो क्या हो जाएगा -3 हो जाएगा और इक्वल के इधर बचा 0, ये भी लीनियर इक्वेशन टू वेरिएबल हो गया, एक वेरिएबल ये हो गया एक वेरिएबल ये हो गया, ये कॉन्स्टेंट है, ये है ए, ये है आपका बी और ये है आपका सी, इसको देखें 5y इक्वल टू 2, 5y इक्वल टू 2 क्या लिख सकते हैं हम इसको,
एक्स का कॉफिशियंट तो कुछ है नहीं, तो एक्स की तो वैल्यू भी नहीं है एक्स में, तो हम इसको जीरो एक्स कर देते हैं, प्लस 5 वाई कर देते हैं। ठीक, 0x+5y का मतलब 5y ही है, और कांस्टेंट क्या है, कांस्टेंट भी कुछ नहीं है, तो हम यहाँ पे 0c कर देते हैं, इक्वल्स टू 0, कांस्टेंट 0 है, 0 हमने ऐड कर दिया बस, 0 × c, कांस्टेंट 0 है। तो ये भी हमारी इक्वेशन है, टू वेरिएबल बन गई लीनियर इक्वेशन, लीनियर है इक्वेशन है, वेरिएबल टू है, कौन से एक्स और वाई। वो बात अलग है कि एक्स का कॉफिशियंट 0 है और वाई का कॉफिशियंट 5 है, बट दो वेरिएबल तो बना दिए अपने, फॉर्मेट ये लिया है ना स्टैंडर्ड फॉर्मेट, तो ये सब लीनियर इक्वेशन है, टू वेरिएबल आसानी से बन गई। चौथा पार्ट देखते हैं, 5y=2 है, एक्स का कॉफिशियंट क्या है, एक्स ही नहीं है, तो हम 0x कर लेते हैं, 0 × x+5y तो रहेगा ही रहेगा, अभी ये 0x यहाँ पे लिख दिया, 5 अभी ये 5y ही है, 0x तो 0 ही होता है ना, और कांस्टेंट क्या है, 2 है, 2 इक्वल के उधर, उसको इक्वल के इधर लेके आएंगे तो क्या हो जाएगा, -2 हो जाएगा, और जब -2 इधर ले आए तो इक्वल के इधर क्या बचा, 0 बचा, बन गया लीनियर इक्वेशन टू वेरिएबल। दिस इज ए, दिस इज बी, दिस इज सी, बस स्टैंडर्ड फॉर्मेट ax+by+c=0। कॉफिशियंट जो होते हैं हमेशा साइन के साथ आते हैं, ए होगा 0, बी होगा प्लस का 5 और सी होगा -2, सी होगा -2, नोट करो, कॉफिशियंट हमेशा साइन के साथ होते हैं, बहुत बार बता चुका हूं लेकिन बहुत जरूरी है इसलिए फिर बता दे रहा हूं, कॉफिशियंट हमेशा साइन के साथ होते हैं। ठीक है, तो बन गया, हो गया, बस यही था एग्जाम्पल टू, कोई मुश्किल नहीं है, बहुत इजी हलवा एग्जाम्पल है, एक हैशटैग में लिख लो, कॉफिशेंट्स आर ऑलवेज विद साइन, आर ऑलवेज विद साइन के साथ होते हैं, दूसरा हैशटैग मैं लिख लो, अगर कोई साइन नहीं दिया हुआ है तो प्लस होगा, इफ देयर इज नो साइन गिवेन देन टेक इट पॉजिटिव, तो हमें पॉजिटिव साइन ही मान के चलना है, दोनों नोट कर लो, मैथ्स, ये मैथ्स है, ये जरूरी है, ये कर लोगे ये तो हो ही जाएगा, ये चीजें पता होनी चाहिए हमेशा, क्योंकि यहां पे गलती कर दी तो खेल खत्म।